फेविक्विक सिर्फ 5 रुपए में। हमका बहुत नर्वस में सो रही है यार। कबड्डी खेले है ना, तो आज रात को भी खेल ले, जीत के आना। बस शक्ति दे प्रभु। कबड्डी 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 कबड्डी। हर चीज का एक वक्त होता है, पर ग्लोरमेंट खाने का कोई वक्त नहीं होता सर। खाओ कभी भी। हॉकी खेलेगा? नया सेंटर शॉक हिला के रख दे। आंटी आंखें निकालती रहती, कभी जूसर में जूस भी निकाल लिया करो। इत्तू सा था जब इस घर में आया था, 4 साल का हो गया हूँ और जूस नहीं निकालना। कम से कम मेरे को ओएलएक्स पे निकाल दो। ओ शक्ल देखी है अपनी, तुझे लेगा कौन? यूजलेस। यूजलेस नहीं, यूजलेस। और इनको भी तो लिया ही आपने अपनी लाइफ में, मेरे को तो फिर भी कोई ना कोई ले ही जाएगा। अब मेरा फोटो खींचो और ओएलएक्स पे फ्री में ऐड डालो, olx.in बेच दे। खरीदने वाले बहुत है आंटी, बेचने वाला चाहिए। देखा, जूस पी पी के लाल हुआ पड़ा नया मालिक। बाय बाय, सी यू नेवर। ये है एक खास देश के आम शहर के आम परिवार की खास प्रॉब्लम, और ये है एक भारतीय पतिदेव वाइफ के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट। येलो उसका फेवरेट कलर है। आज इन्हें पता चलेगा कि येलो येलो नहीं होता, येलो होता है लेमन, मस्टर्ड, बटर, पाइनएप्पल, बनाना। आपने कौन सा येलो चूज किया? ब्राइट येलो। ये है मिसेज धर्मपत्नी और ये है इनके वेडिंग से लेकर आज तक के फालतू गिफ्ट्स का भंडार, जिसमें है 32 डिनर सेट्स, 14 शो पीसेस, 12 वॉल क्लॉक्स, 13 फोटो फ्रेम्स और 19 सेल्फ हेल्प बुक्स। ओह सॉरी, 20। और ये है प्यारी बहना जो हर साल राखी पर होती है ऊट पटांग गिफ्ट्स का शिकार। राखी पर एक बार इन्हें मिला टेडी बेयर, अगले साल फ्लोरोसेंट जूते, उसके अगले साल एक बोतल डिओड्रेंट और इस साल तो एक मल्टीपर्पज स्विस आर्मी नाइफ, जो है अब दादू के पास। गिफ्ट में हेरा फेरी के सबसे बड़े उस्ताद ताऊ जी का गिफ्ट मौसा जी को, मौसा जी का बहनोई को और बहनोई का दादी जी को। और ये है दादी जी, घर के सारे गिफ्ट्स का डंपिंग ग्राउंड। अब मैं क्या बोलूं?
हम हिंदुस्तानियों में एक प्रॉब्लम है कि हम रिश्तों के मामले में जितने क्लोज होते हैं, गिफ्टिंग के मामले में उतने ही क्लोज्ड हो जाते हैं। ऐसे गिफ्ट्स देने के बदले दो गिफ्ट्स चूज करने की आजादी। फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड्स, देने में इतना आसान। ईमेल आईडी डालो, अमाउंट एंटर करो और बस हो गया। जिसे जो चाहिए वो खरीद लेगा, देने वाला भी खुश और लेने वाला भी।